हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त उमेश। आज हम लैंडस्केप का पेंटिंग करेंगे वाटर कलर से। स्काई को कलर करने से पहले पानी को उस जगह हम डाल रहे हैं जिसमें कलर करना है। ध्यान रहे कि स्काई को जब हम कलर करते हैं तो गीले सरफेस में करेंगे। यह वीडियो बिगिनर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पेंटिंग करेंगे जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। स्काई को कलर करने के लिए हम कोबाल्ट ब्लू का प्रयोग कर रहे हैं। पहाड़ में हम सबसे पहले लाइट जगह को कलर करेंगे। आप लोगों को पता है कि हम लेयर में काम करते हैं तो अचानक से डार्क जगह को कलर नहीं करेंगे। पहाड़ को कलर करने में हम कोबाल्ट ब्लू और बर्न सियाना का कलर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोबाल्ट ब्लू के साथ क्रिम्सन लेक का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम पहाड़ में डार्क जगह का कलर करेंगे। पर्शियन ब्लू और क्रिम्सन लेक को मिला के डार्क जगह को कलर करेंगे। ध्यान रहे कि ब्लैक कलर का यूज ना करें क्योंकि प्रकृति में कोई भी चीज़ ब्लैक नहीं है। वाटर कलर में आप लोग वाइट और ब्लैक कलर का यूज करने से बचें। जब हम वाटर कलर से कोई पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग में जहाँ जहाँ वाइट होगा वहाँ हम पेपर का वाइट का यूज करेंगे। येलो कलर का यूज कर रहे हैं। ग्रास के लिए हम सेब ग्रीन का यूज करेंगे। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में हम हमेशा लाइट से डार्क की ओर जा रहे हैं। जहां जहां डार्क होगा वहां हम हल्का हल्का डार्क आगे कर रहे हैं, अचानक से डार्क नहीं कर रहे हैं। सेब ग्रीन का यूज कर रहे हैं ग्रास के लिए। और ये हम डार्क कर रहे हैं सेब ग्रीन प्लस कोबाल्ट ब्लू का यूज करके हल्का डार्क कर रहे हैं ग्रास को। ट्री को कलर करने के लिए हम क्रिम्सन लेक, पर्शियन ब्लू और सेब ग्रीन को मिला के हम कलर कर रहे हैं। जैसे आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि हम कैसे कलर कर रहे हैं। जहाँ पर डार्क होगा वहाँ हम पर्शियन ब्लू और ग्रीन का यूज कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वीडियो को शेयर करें जो पेंटिंग या ड्राइंग में इंटरेस्ट रखता हो।